हाय हाई एवरीवान असलम वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने जो ये एल और एक्सल साइज लेडीज ले कार्डिगन बोलना स्टार्ट किया है आज इस कार्डिगन की पार्ट नंबर फाइव है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डिगन की जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें मुद्दे की और गले की कैसे कटाई करनी है और कितनी करनी है इससे पहले जो मैंने चार वीडियो अपलोड की है जिस पर मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बैक पार्ट में कितने फंदे लेने हैं हेल्थ और उनके अकॉर्डिंग उसके बाद डिज़ाइन को एडजस्ट करना सेकंड पार्ट में मुद्दे की कटाई और थर्ड पार्ट में मैंने बैक गले की कटाई बताई है डिज़ाइन के साथ और फोर्थ पार्ट पे मैंने फ्रंट साइड के दोनों पल्लों में हमें बॉर्डर के बाद बटन पट्टी और डिज़ाइन को कैसे सेट करना है वो बताई है इन सभी पार्ट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन के साथ हमें मुद्दा और गोल गला कैसे घटाना है अगर आप चाहे तो उसमें बी गला भी घटा सकते हैं तो वो मैं आगे, आगे आपको बता दूंगी तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो पार्ट नंबर फोर है जिस पर मैंने इस तरीके से डिजाइन को एडजस्ट करके आपको दिखा दी है तो उसी डिजाइन को बुनते हुए मैंने मुद्दे तक इसकी की इसकी लंबाई कंप्लीट की है जितना हमने बैक पार्ट पे की थी ठीक है और यहाँ पर हमने बटन होल भी बनाई है देखिये मैंने एक बटन होल आपको बनाकर दिखा दी थी तो एक दो तीन चार पाँच और एक बनेगी जो कि ऊपर गला जब हम बनाएंगे तब एक बना जो है होल बनाएंगे ठीक है अब देखिए ये हम मुद्दा कटाएंगे पहले उसके बाद गोल गले की कटाई करेंगे तो सबसे पहले इस पर फंदे हमारे जो है सिक्सटी सिक्स फंदे हैं बटन पट्टी को साथ में लेते हुए सिक्सटी सिक्स फंदे हैं तो यहाँ पर देखिए डिजाइन के हिसाब से मेरी पहली सिलाई जाएगी यहाँ से तो उल्टी तरफ से हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये जो पार्ट है बॉडी का राइट साइड का पार्ट है तो पहले हम इसको कटाएंगे उसके बाद बॉडी का लेफ्ट साइड का पल्ला घटाएंगे तो इसको मैंने यहाँ पर कट नहीं किया है उनको ऐसे ही रखा है अब मैं इसमें जो है मुद्दा घटाऊंगी तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर बटन पट्टी को बुनते हुए और इस डिजाइन को बनाते हुए हम लास्ट तक पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद उल्टी तरफ से हम इसमें मुद्दा घटाना स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई जो है वो बना लेती हूँ डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी जो है दो सीधा दो उल्टा ही बनेगी फर्स्ट रो डिजाइन की तो मैं यहाँ से लास्ट तक बनाकर फिर उल्टी तरफ से आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये सीधी सिलाई बन गई है अब उल्टी तरफ से आ जाइए यहाँ से हम ये कटिंग करेंगे ये बॉडी का राइट साइड का पल्ला है ठीक है अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे कटिंग हम कितनी करेंगे जिससे हमने ये बैक पार्ट में की थी यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पांच फिट तीन फिट दो फिर एक कटाए थे ना वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे पांच तीन दो एक जो कि उल्टी तरफ से करेंगे इस पार्ट में ठीक है और जो अगला पार्ट हम राइट साइड लेफ्ट साइड बनाएंगे वहां पर हम सीधी तरफ से करेंगे वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी पहले मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ यहाँ पर देखिए बैक साइड से हम कैसे कटाएंगे इसको रॉन्ग साइड से इस तरीके से दो बंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे एक बार फिर इसमें इसको लेंगे ऐसे थोड़ा सा दिलाकर करके फिर से इसको ऐसे लेंगे दो का एक करेंगे दो बार ऐसे लिया इसको दो का एक कर दिया तीन फिर से लिया इसको और इससे दो का एक कर दिया चार और इसको इसमें लेकर दो कई एक करेंगे पाँच ठीक है ये हमने यहाँ पर पाँच फंदे घटा दिए अब बाकी सिलाई जैसे हमारी डिजाइन है वैसे ही बनाएंगे उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा है ये वाला फंदा मेरा सीधा है उन पीछे की तरफ ले जाके इस फंदे को मैं सीधा बना दूंगी ऐसे उन अपनी तरफ और इस फंदे को देखिए दो फंदे उल्टे उन पीछे दो फंदे सीधे ऐसा करते हुए हम रॉन्ग साइड से जो सिलाई है उसे कंप्लीट करेंगे कटिंग की हमारी ये फर्स्ट रो जो कि उल्टी तरफ से हमने ये पांच फंदे घटा दी है अब तो डिजाइन को फॉलो करते हुए पूरी सिलाई हम यहाँ तक बना लेंगे और उसके बाद ये बटन पट्टी जैसे आपने डिजाइन डाली है बटन पट्टी में वैसे ही आप इसको भी बना लीजिए तो इस सिलाई को मैं लास्ट तक कम्प्लीट कर लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ पर जो है आप अगर बी गला घटाना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर उल्टी तरफ से कटिंग की है सीधी सिलाई बनाने के बाद तो अगर आप बी गला बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बी गले के लिए एक एक फंदा घटा सकते हैं अगर आपको बी गला डीप चाहिए और अगर आपको ये बी गला डीप नहीं चाहिए ऊपर की तरफ चाहिए तो आप मुद्दे की कटिंग पहले कर लीजिए और उसके बाद गला घटाना स्टार्ट कीजिए ठीक है और अगर आपको गोल गला बनानी है जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप फॉलो करते जाइए अब यहाँ पर देखिए कटिंग की हमारी पहली सिलाई तो उल्टी तरफ से हम काउंट करेंगे उसको हमने कंप्लीट कर दी है अब सेकंड रो अगर डिजाइन के हिसाब से बताओ तो डिजाइन की ये थर्ड रो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे पहले हम बटन पट्टी जो है उसको बना लेंगे दस फंदों को उसके बाद यहां से डिजाइन डालते हुए लास्ट यहां तक कंप्लीट करेंगे देखिए जो दो फंदे उल्टे हैं ना यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे पहले आप डिज़ाइन की वीडियो देखकर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद इसको बनाना अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये आसानी रहेगी तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक इस सिलाई को सीधी सिलाई को बना लेती हूँ डिजाइन डालते हुए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिजाइन की थर्ड जो है इसको रिपीट करती हूँ ठीक है देखिए फ्रेंड्स सीधी सिलाई मैंने ये लास्ट तक बना ली है अब हम यहाँ पर डिजाइन नहीं डालेंगे जो चार फंदे हैं लास्ट के ऐसे ही बना लेंगे देखिए ये दो फंदे सीधे इनको हम सीधा बना लेंगे क्योंकि हमें फिर इसको उल्टी तरफ से कटाने हैं तीन फंदे तो देखिए ऐसे करेंगे और लास्ट का फंदा यहाँ पर सीधा बना देंगे अब रॉन्ग साइड से यहाँ पर फिर से हम तीन फंदे घटाएंगे देखिए दो फंदे एक साथ लेकर ऐसे दो का एक करेंगे एक बार इसको इसमें लेंगे दो का एक करेंगे दो बार इसको लिया दो का एक किया ये तीन फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए दे देखिए ऐसे तो पाँच तीन फिर जैसे हमारे डिजाइन है वैसे ही बनाते हुए जाएंगे उल्टी सिलाई फिर सीधी सिलाई बनाएंगे उसके बाद फिर से उल्टी तरफ से हम दो फंदा कटाएंगे उसके बाद फिर से सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे डिजाइन के हिसाब से उसके बाद उल्टी तरफ से एक फंदा तो यहाँ पर जो हम फंदे कटाएंगे वो पाँच तीन दो एक इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इस तरफ की जो कटिंग है वो मैंने आपको बता दी है तो इसी तरीके से आपको कर लेनी है पाँच फंदे कटा दिए फिर तीन फिर दो फिर एक इस तरीके से करते हुए आप इसको कटा लीजिए उसके बाद मैं आपको बॉडी का जो लेफ्ट साइड का पल्ला है उसमें कटिंग बताती हूँ तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ ऐसे ही देखिए डिजाइन मैंने पहले भी बता रखी है तो डिजाइन जो है स्टार्टिंग से ही आपको देखनी है लास्ट में बस इसमें एडजस्ट करनी है जितने फंदे आपको कटाने हैं उससे दो तीन फंदा छोड़ दीजिए उसमें उस पर आपको डिजाइन को रिपीट नहीं करना है लास्ट के दो तीन फंदों में और उसके बाद आप इसको कटिंग करते जाइए ठीक है तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ फिर मैं आगे, आगे आपको दिखाती हूँ तो देखिये फ्रेंड्स यहाँ पर इस साइड की कटिंग मैंने कर दी है जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही की है पाँच तीन दो एक इस तरफ से गटा दी है तो यहां पर जो है ग्यारह फंदे हमने घटाए हैं और बाकी सिलाई में अभी ये फंदे हैं अब हम इसको ऐसे ही रख देंगे फिर हम इसकी कटिंग करेंगे जो लेफ्ट साइड का पल्ला है इसमें हम कटिंग करेंगे इस पर हम कहा से करेंगे कटिंग देखिए यहां से इस सीधी साइड से तो ये जो उल्टी साइड मेरी है ये बाकी है इसको मैं बना लेती हूँ फिर इस तरफ से उल्टी तरफ से आपको दिखाती हूँ यहाँ पर भी हम पांच तीन दो एक की कटिंग करेंगे तो अब इस साइड का हम इस पल्ले का करेंगे ठीक है ये बॉडी का आ, लेफ्ट साइड का पल्ला है ये लेफ्ट साइड का पल्ला है तो यहाँ पर मेरी एक बटन होल बन रही है यहाँ पर देखिए ये अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक उल्टी सिलाई बना ले तो फिर सीधी तरफ सबको यहाँ पर दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये उल्टी सिलाई मैंने यहाँ से यहाँ तक बना ली है अब इस सीधी तरफ से हमें ये कटिंग करनी है इस साइड का तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे मैंने आपको पहले भी अलग से इसमें कटिंग बताई है डिज़ाइन के साथ तो सेकंड पार्ट है उसकी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ से आप देख लीजिएगा कि हम कटिंग के साथ डिज़ाइन को कैसे एडजस्ट करें ठीक है अब मैं थोड़ा सा ही बताऊँगी पाँच तीन फंदे कटाकर ही मैं आपको बताऊँगी बाकी ऐसे आपको करनी है तो देखिए पहला फंदा इसको ऐसे सीधा बना लिया उसके बाद दूसरे फंदे को भी बैक साइड से ऐसे सलाई डाल के ऐसे सीधा बना देंगे फिर इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे एक देखिए ऐसे बनाया ऐसे गिरा दिया दो, इसको बनाया इसको ऊपर से निकाल दिया तीन चार ये पांच ये हमने पांच फंदे कटा दिए अब डिजाइन हम यहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मेरा जो ये फंदा है ये उल्टा आ रहा है इसे उल्टा बना देती हूँ उन पीछे दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को पूरा लास्ट तक बना लेंगे और बटन पट्टी के दस फंदों को हम यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा ही बनाएंगे फिर उल्टी तरफ से बटन पट्टी को बनाकर कर कंप्लीट करेंगे फिर डिज़ाइन के हिसाब से उल्टी सिलाई बनाएंगे फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसमें यहाँ पर कैसे कटिंग करनी है तीन फंदे फिर मैं घटाकर आपको दिखाऊंगी तो पहले मैं दो सिलाई सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बना लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स सीधी और उल्टी सिलाई मैंने यहाँ पर बना ली है इस तरीके से अब आ जाइए फिर से सीधी तरफ से यहाँ पर हमें तीन फंदे घटाने हैं तो वो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर पांच फंदे घटाए सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पर देखिए ये एक फंदा सीधा बनाएंगे अब चाहे तो इसको उतार सकती है उसके बाद दूसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे एक फिर इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे ऐसे गिरा देंगे दो इसको बनाया उसको गिरा दिया तीन ठीक है इस तरीके से हम ये पाँच तीन फिर दो फंदे कटाएंगे सीधी तरफ से फिर एक फंदा और डिज़ाइन हम जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे तो ये कटिंग हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे सीधी तरफ से पाँच फिर तीन फिर दो फिर एक तो मैं कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद मैं आगे, आगे आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी बनानी है उसके बाद हमें गले की कटाई कैसे करनी है तो पहले मैं इस साइड का कटिंग कम्प्लीट करके फिर आगे का आपको बताती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने इसकी कटिंग कर दी है यहाँ पर पांच तीन दो एक इस तरफ से कटा दी है और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दी है पांच तीन दो एक ठीक है अब ये जो सलाई में फंदे हैं अब इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर हाफ ऑफ बना लूँगी ये लेंथ जितना आपने बनाई होगी उसका हाफ़ ऑफ आफ बना लीजिए ये जो डिज़ाइन की डिब्बी है बैक पार्ट पे मेरी ग्यारह डिब्बी है तो मैं कम से कम पाँच डिब्बी इसमें बनाकर फिर गले की कटाई करूँगी वो मैं आगे आग आपको दिखाऊँगी तो पहले मैं इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए इसकी लंबाई मतलब ये हाफ़ बना लेती हूँ इसकी गले की जो पट्टी है वो मैं हाफ ऑफ बना ली फिर मैं आगे आपको इसका कटिंग बताती हूँ डिज़ाइन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पर एडजस्ट करना बहुत ही आसान है क्योंकि बैक पार्ट में जैसे हमने कटिंग की है ना वैसे ही डिज़ाइन के साथ मैंने यहाँ पर बताई है और डिजाइन भी बहुत अच्छे से बैक पार्ट में मेरी एडजस्ट हो गई थी वो मैं आपको बैक पार्ट पे दिखा दिया था अब यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ देखिए स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे पास से दिखाती हूँ देखिए दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे अब ये वाले जो फंदे हैं इनमें हमें ये डिज़ाइन रिपीट करनी है ये जो साइड में दो फंदे हैं हर बार आपको ये सीधा सीधा ही बनाने हैं बैक पार्ट में भी ये सीधा सीधा बने है यहाँ पर देखिए सीधा सीधा बने ही इस दो फंदे में हमें डिजाइन को रिपीट नहीं करनी है ठीक अब हम ऐसे ही करते हुए इसकी लंबाई यहाँ तक हाफ हाफ कर लेंगे उसके बाद में आपको गला गटाना बताती हूँ आपके भी मैं आपको दिखाऊंगी इन स्टेप से तो पहले मैं इन दो पार्ट की जो लंबाई है गला घटाने तक उसको कम्प्लीट कर लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट की जो लंबाई है गला घटाने तक वो मैंने कंप्लीट कर दी है अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ पहले मैं बॉडी का जो राइट साइड का पल्ला है उसकी कटिंग बताती हूँ उसके बाद मैं लेफ्ट साइड का बताती हूँ तो देखिए इसके लिए ये मैं अगर आपको नाप के दिखाऊँ यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ये कटिंग्स के बाद यहाँ से यहाँ तक का लगभग चार इंच बना ली है अब मैं इसमें गला कटाऊँगी और चार इंच मैंने इसलिए बनाई है थोड़ा सा मुझे जो आगे का गला है वो डीप चाहिए तो इसके लिए मैंने इतना बनाई है और अगर मैं डिज़ाइन के हिसाब से बताऊँ यहाँ से अगर मैं डिज़ाइन देखूँ ये देखिए ये वाला डिज़ाइन कटिंग के बाद ये ये देखिए कटिंग हुई है इसके बाद वाला डिज़ाइन हम देखेंगे एक दो तीन चार पांच पांच डिजाइन की ये डिब्बी मैंने बनाई है जो कि सिलाई में एक डिज़ाइन की डिब्बी बनती है और इंच टेप से मैंने चार इंच बनाई है और अब मैं इसमें गला कटाऊंगी तो गला हम कैसे कटाएंगे देखिए सबसे पहले हम शोल्डर के फंदे निकालेंगे यहाँ पर शोल्डर में मैंने तीस फंदे रखे हैं उस बैक पार्ट में मैंने शोल्डर में तीस फंदे रखे हैं तो देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस तीस फंदे ये हमारे शोल्डर के हैं दस फंदों की हम बटन पट्टी रखेंगे यहाँ से ये जो बटन पट्टी है इसके दस फंदे हम यहाँ से छोड़ेंगे दो चार छः आठ दस ये दस फंदे की हमारी बटन पट्टी है और बाकी हमारे पास कितने फंदे हैं दो चार छः आठ दस बारह चौदह पंद्रह टोटल पंद्रह फंदे हैं तो हम कैसे कटाएंगे इसमें देखिए पहले हम जो मुद्दे की है पाँच तीन दो एक वो निकालेंगे दो चार पाँच फिर तीन फिर दो फिर एक ए, ऐसे कटाएंगे और उसके बाद दो दो सलाई की गैपिंग दे एक एक फंदा कटाते हुए जाएंगे ठीक है तो पहले हम ये दस फंदे बटन पट्टी के छोड़ के यहाँ से पहले सिलाई में जो सीधी तरफ से हम कटिंग करेंगे वहाँ पर हम पाँच फंदे कटाएंगे फिर पूरी सिलाई हम डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे उसके बाद फिर से सीधी तरफ से तीन फंदे कटाएंगे फिर पूरी सिलाई दो सिलाई जो सीधी उल्टी बनाएंगे डिजाइन के हिसाब से उसके बाद फिर दो फंदे कटाएंगे फिर एक फंदा फिर दो सिलाई की गैपिंग देके फिर एक एक फंदा कटाते हुए जाएंगे तो ये इस तरीके से राउंड में आ जाएगी अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कटिंग हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम बटन पट्टी बना लेंगे फिर जब हम उल्टी तरफ से आएंगे तब बटन पट्टी को हम अलग से निकाल देंगे ठीक है अब हम पहले बटन पट्टी को ऐसे बना लेंगे दस फंदों की बटन पट्टी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस ठीक है अब यहाँ से हमारी ये कटिंग स्टार्ट होगी पहली सिलाई है सीधी तरफ से पाँच फंदे कटाएँगे तो पहला फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे उसके बाद दूसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे ऐसे और पहले फंदे को जो पहला फंदा है इसको दूसरे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे एक ऐसे सीधा बनाया इसको थोड़ा ढीला रखेंगे फंदे उठाने के लिए फिर हम इसमें गले के लिए फंदे उठाएंगे इसके लिए ये दो तीन चार और एक पाँच ठीक है ये हमने पांच फंदे की कटिंग कर दी है अब ये वाला फंदा उल्टा इसे हम उल्टा बनाएंगे फिर डिजाइन की फर्स्ट रो जैसा जाती है दो सीधा दो उल्टा वैसे ही बनाते हुए जाएंगे जो फंदा आपका जैसा दिख रहा है वैसे तो देखिए दो सीधा फिर ऊन अपनी तरफ करके दो उल्टा ऊन पीछे दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए पहली सिलाई हम सीधी तरफ से बना लेंगे फिर उल्टी तरफ से जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे जो फंदा सीधा है उसे सीधा बनाएंगे डिजाइन की सेकेंड रो उल्टी तरफ से बना लेंगे फिर मैं आगे आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ये बटन पट्टी हम अलग से कैसे निकालेंगे ठीक है तो पहले मैं सीधी और उल्टी सिलाई बनाकर फिर आगे आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये सीधी और उल्टी सिलाई मैंने बना ली है अब ये सिलाई में हमारे ये बटन पट्टी के फंदे हैं अब इनको हम इस तरीके से दूसरा कोई भी ऊन का टुकड़ा ले लेंगे और सुई ले लेंगे इसको हम धागे में उतार लेंगे अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो उस पर उतार लीजिए और सेफ्टी पिन में उतारने से क्या होता है ये जो फंदे हैं वो पीछे की तरफ फिर अटक जाते हैं निकालना मुश्किल हो जाती है तो आप क्या कीजिएगा पहले कोई भी कागज़ हो या बिंदी हो आप जो है सेफ्टी पिन के अंदर डालकर उसके बाद फंदे को निकाल लीजिएगा तो क्या होगा कि आपके जो फंदे हैं वो सेफ्टी पिन के अंदर नहीं जाएगी तो आ, मैं इस तरीके से उतारी हूँ ऐसे धागे में रख दूँगी नोट लगा कर तो ये दस फंदे पहले हम इस तरीके से अलग कर लेंगे बटन पट्टी के हैं ये इस तरीके से और इसको इसके अंदर से निकाल कर यहाँ पर देखिए नोट लगा कर रख देंगे नोट आपको इस तरीके से लगा लेनी है ताकि ना खुले ठीक है और यहाँ से कट कर देंगे इसको और फिर दूसरा जब हम कटिंग करेंगे दूसरे पल्ले की बटन पट्टी को इस पर रख देंगे ठीक है तो अब मैं ऐसे साइड में ले लेती हूँ और ये बटन पट्टी के फंदे को मैंने साइड में ले रख दी है दूसरा ऊन का टुकड़ा जो है उस पर डालकर अब आ जाइए कटिंग की तीसरी सिलाई सीधी तरफ से अब हमें यहाँ पर कटिंग कैसे करनी है देखिए तीन फंदे कटाएँगे तो डिज़ाइन में एडजस्ट करके भी दिखा दूँगी तो पहले फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे उसके बाद दूसरा फंदा भी सीधा इसके ऊपर से इसको गिरा दे एक ये दो और ये तीन तीन फंदे कटा दिए अब बाकी डिजाइन के हिसाब से बनाएंगे ऊन अपनी तरफ करके दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे ऊन पीछे यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे देखिए यहाँ से ठीक है यहाँ से ऐसा लूप निकालेंगे दो फंदे सेंटर में सीधे बनाएंगे और ये नीचे से यहां से लुक निकालेंगे तो ऐसा करते हुए ये कटिंग की तीसरी सिलाई सीधी तरफ से बना लेंगे उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा है उसे वैसे ही बनाएंगे और जो फंदा हमने एक्स्ट्रा निकाला है इसको बिना बुने उतार लेंगे तो इस तरीके से मैं दो सिलाई बना लेती हूँ सीधी और उल्टी उसके बाद मैं आगे, आगे आपको यहां पर दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स सीधी और उल्टी सिलाई मैंने बना ली है डिजाइन के अकॉर्डिंग अब आ जाइए फिर से सीधी तरफ से आप यहाँ पर हम दो फंदे कटाएंगे तो पहले एक फंदा ये सीधा बना लेंगे उसके बाद ऐसे दूसरा फंदा भी सीधा उसके ऊपर से इसको गिराया एक और ऐसे उल्टे फंदे को ऐसे लेंगे इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे ये दो ठीक है अब डिज़ाइन देखिए चार फंदे हैं ना इनको ऐसे सलाई डाल के पहले बैक साइड से ऐसे बना लेंगे फिर इनको गिराएंगे नहीं फंदे को ऐसे ढीला करके आगे की तरफ से फिर से सिलाई डाल के ऐसे घटाते हुए सीधा बना देंगे ठीक है इस तरीके से हम डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे देखिए कटिंग के साथ अब जैसे हमारी डिज़ाइन बनती है फिफ्थ रो डिज़ाइन की वैसे ही बनाते हुए जाएंगे दो फंदे उल्टे उन पीछे ऐसे फंदे को लेकर बैक साइड से सलाई डाल के ऐसे सीधा बना देंगे इनको गिराएंगे नहीं थोड़ा सा ढीला करके आगे की तरफ से सलाई डाल के ऐसे बना लेंगे ठीक है तो ऐसे ही हम ये कटिंग की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो और डिज़ाइन की भी फिफ्थ रो इसको हम बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक उसके बाद उल्टी तरफ से दो सीधा दो उल्टा जैसे हमारे फंदे दिखेंगे वैसे ही बनाएंगे तो मैं फिर से दो सिलाई बना लेती हूँ डिजाइन के हिसाब से सीधी और उल्टी फिर आगे आपको यहाँ पर दिखाती हूँ यहाँ पर हमने पाँच फंदे गटाए फिर तीन फिर दो तो देखिए फ्रेंड्स फिर से दो सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हम आ गए हैं सीधी तरफ से यहाँ पर हम एक फंदा अब घटाएंगे जो कि हमारी ये सेवेंथ रो जा रही है टिंग की है हमारी सेवन थ्रो इसमें हम ऐसे एक फंदा कटाएंगे देखिए इस तरीके से और बाकी सिलाई डिज़ाइन के हिसाब से ही बनाएंगे पहली सिलाई फिर से हमारी डिज़ाइन की स्टार्ट हो रही है दो फंदा सीधा ऊन अपनी तरफ दो फंदा उल्टा फिर उन पीछे दो फंदे सीधे उसके बाद उल्टी तरफ से एक सिलाई बना लेंगे फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे हमें गैपिंग देकर फिर घटाना है तो यहाँ पर हमने टोटल फंदों को जो है घटा दी है पांच तीन दो एक कैसे घटाई है अब दो सिलाई की हम गैपिंग कैसे देंगे वो मैं आगे, आगे आपको दिखाती हूँ तो पहले मैं ये सिलाई और उल्टी तरफ से एक सिलाई बनाकर फिर आगे, आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है इसमें ठीक है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फिर से दो सिलाई बना ली है सीधी और उल्टी अब आ जाइए फिर से सीधी तरफ से अब हमें गैपिंग कैसे देनी है देखिए यहाँ से हम गैपिंग देना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने तो कटिंग कर दी है और टोटल हमारे पास जो फंदे हैं वो मैं आ... गिन के आपको बताती हूँ कितना है पहले हम शोल्डर के फंदे निकालेंगे दो चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस तीस फंदे हैं और बाकी हमारे चार फंदे हमें घटाने हैं तो मैं दो दो सिलाई की गैपिंग देखे इन चार फंदों को घटाऊंगी दो सिलाई हम गैपिंग कैसे देंगे यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको पहले ये सीधी सिलाई हम बनाएंगे यहाँ पर हम कटिंग नहीं करेंगे उसके बाद उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनाएंगे और यहाँ पर हमारी डिजाइन भी रिपीट होगी डिजाइन की फोर्थ तो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है ठीक है दो तो सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे सीधी और उल्टी जिस पर हम कटिंग नहीं करेंगे जब हम फिर से सीधी तरफ से आएंगे तब हम एक फंदा घटाएंगे फिर से फंदे को घटाने के बाद उल्टी सिलाई बनाएंगे तो उस पर तो हमें फंदे नहीं घटाने हैं फिर से हम सीधी और उल्टी सिलाई फिर दो सिलाई बनाएंगे और फिर एक फंदा घटाएंगे तो ये जो कटिंग है आप चाहे तो गैपिंग देकर भी कटा सकते हैं आप चाहे तो लगातार भी कटा सकते हैं जैसे हमने यहाँ से कटाना स्टार्ट किया है वैसे ही पाँच तीन दो एक, एक एक इस तरीके से घटाते हुए जाइए जब तक कि आपकी शोल्डर के फंदे ना रह जाए तब तक तो ऐसे ही मैं घटा देती हूं यहाँ पर मैंने आपको बता बता दी है डिज़ाइन को भी मैंने एडजस्ट करके दिखा दिया इसमें डिज़ाइन में कोई आपकी जो है अंतर नहीं आएगी आपकी डिज़ाइन जो है इस तरीके से दिखेगी यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये लाइनिंग की तरह दिखेगी तो आप उसी को फॉलो करते हुए जाइए और इन इन फंदों को कटाते हुए जाइए और यहाँ पर ऐसे मैं कर लेती हूँ फिर मैं आगे, आगे आपको दिखाती हूँ तो ये जो पल्ला मैं बनाऊँगी ये पूरा लेंथ कम्प्लीट होने के बाद आपको दिखाऊँगी तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि हमारे जो ये चार फंदे हैं वो दो दो की गैपिंग देकर हम घटाते हुए जाएंगे और फिर शोल्डर के थर्टी फंदे रहेंगे तीस फंदे इसको हम ऐसे ही एज इट इज डिजाइन के साथ जब तक कि हमारी बैक पार्ट के बराबर लंबाई कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम इसको बनते हुए जाएंगे तो इसको मैं कर लेती हूँ फिर आगे, आगे आपको दूसरे पार्ट का कटिंग बताती हूँ पहले मैं ये वाला जो पल्ला है इसकी कटिंग और लंबाई कम्प्लीट कर लेती फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ ठीक है फ्रेंड्स ये बन गई ये वाला पार्ट हमारी यहाँ पर देखिए ये गला हमने घटा दिया जैसे मैंने आपको बताई है ना वैसे ही इसमें घटाने हैं आपको और इसकी जो लंबाई है वो डिजाइन के हिसाब से इसमें कंप्लीट करनी है यहाँ पर मेरी दो डिब्बी बनी है फंदा घटाने के बाद और यहाँ से यहाँ तक मैंने ये दो डिब्बी बना ली है ये देखिए बैक पार्ट के बराबर हमने इसको कर ली है अब इस साइड का कटिंग कर हम करेंगे ये वाला पार्ट तो इसको हम उल्टे तरफ से करेंगे पहले देखिए यहाँ पर डिजाइन के हिसाब से हमारी ये वाली जो साइड है वो बनेगी यहाँ तक बटन पट्टी भी बनाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे ठीक है तब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे सहन यहाँ पर देखिए डिजाइन मेरी पहली सिलाई स्टार्ट हो रही है दो सीधा दो उल्टा तो ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ तो ये यह यहाँ से मैं बना लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस सिलाई को लास्ट तक बना ली है अब ये जो दस फंदे है बटन पट्टी को इनको हम इस पर चढ़ा लेंगे यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ से हम कटिंग करेंगे जो कि पांच फंदे कटाएंगे तो वो कैसे करेंगे देखिए ये हमारी उल्टी तरफ से कटिंग स्टार्ट हो रही है इस पल्ले की फर्स्ट रो होगी कटिंग की उल्टी तरफ से दो फंदे एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को इसमें लेंगे थोड़ा सा ढीला करके लेंगे और दो का एक करेंगे फिर से इस फंदे को इसमें थोड़ा सा ढीला करके उठा लेंगे दो का एक करेंगे तीन बार ये चार इसमें लिया पाँच इस तरीके से ऊन पीछे एक फंदा ये सीधा तो दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा ही हमें बनानी है तो इस तरीके से हम ये कटिंग करेंगे ठीक है ये जो गैप आपको दिख रही है फिर हम जब फंदे उठाएंगे तो ये बराबर हो जाएगी देखिए ऐसे तो दो फंदे उल्टे बना लिए फिर उन पीछे दो फंदे सीधे इस तरीके से कटे हुए हम ये उल्टी सिलाई बना लेंगे फिर आगे जो सीधी सिलाई बनेगी जैसे हमारी डिजाइन बनती है वैसे ही हम लास्ट यहाँ तक बना लेंगे ये लास्ट के चार फंदे रहने तक हम डिज़ाइन को रिपीट कर लेंगे ठीक है ये यहाँ पर फिर यहाँ पर और लास्ट के ये फंदे हम प्लेन बनाएंगे एक दो तीन चार चार फंदे हम प्लेन बनाएंगे सीधा ठीक है उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो पहले मैं उल्टी सिलाई फिर सीधी सिलाई बना लेती हूँ फिर आपको उल्टी तरफ से दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये उल्टी सिलाई मैंने बनाकर फिर सीधी सिलाई भी इस तरीके से डिजाइन डालते हुए बना ली है अब ये जो लास्ट के फंदे हैं इनको हमने ये यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा बना ली है। ये लास्ट के दो फंदे आप चाहे तो उल्टा बना सकती हैं। तो आ जाइए ये उल्टे तरफ से तो देखिए यहाँ पर हम तीन फंदे कटाएंगे दो फंदे एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे इस फंदे को इसमें लेंगे दो का एक करेंगे फिर से इस फंदे को इसमें लेंगे दो का एक करेंगे ऐसे हमने तीन फंदे घटा दिए फिर उन पीछे दो फंदे सीधे ऊन अपनी तरफ जो फंदा हमने एक्स्ट्रा निकाला है इसको हम बिना बुने उतार लेंगे जो दो फंदे हमने सीधी तरफ से सीधे बनाए वो उल्टे तरफ से उल्टे बनाएंगे एक फंदा जो हमने निकाला है उसको बिना बुने उतार लेंगे ऊन पीछे दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए हम फिर से ये उल्टी सिलाई बना लेंगे और फिर सीधी सिलाई जैसे हमारी डिज़ाइन की फिफ्थ रो बनती है वैसे ही बनाते हुए हम लास्ट तक आएंगे तो ये उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई दो सिलाई में बनाकर कर फिर आपको उल्टी तरफ से दिखाती हूँ और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कैसे करनी है जैसे हमने इस वाले पार्ट पे कटिंग की है पाँच तीन दो एक यहाँ पर देखिए अंतर सिर्फ इसमें ये आएगी कि अब की सीधी तरफ से कटिंग होगी और इस वाले पार्ट में आपके उल्टी तरफ से कटिंग होगी बस यही चेंज है इसमें और कुछ नहीं करना है आपको फिर जैसे मैंने आपको इस वाले पार्ट में बताई है ये जो पाँच तीन दो एक की कटिंग हो जाए उसके बाद दो सिलाई आप बना लीजिए डिजाइन के अकॉर्डिंग फिर एक फंदा घटा दीजिए फिर से दो सिलाई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लीजिए एक फंदा घटा दीजिए ऐसे करते हुए आप फंदे को घटाते हुए जाइए जब तक कि आपके शोल्डर के लिए फंदे ना रह जाए मैंने तीस फंदे रखे हैं तो ऐसे मैं घटा लेती हूँ यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दिखा दी है कैसे घटाने है आपको और बाकी प्रोसेस सेम रहेगी कटिंग की पाँच तीन दो एक फिर डिज़ाइन के हिसाब से दो सिलाई बनाएंगे और एक फंदा घटाएंगे तो उल्टी तरफ से हमें इस तरीके से कटिंग करनी है सीधी तरफ से मैंने आपको बता दी है तो प्रोसेस सेम रहेगी बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि ये उल्टी तरफ से करनी है इसको हमने सीधी तरफ से किया बस यही है और बाकी कटिंग का तरीका सेम रहेगी तो इस तरीके से मैं इस पल्ले को भी कम्प्लीट करती हूँ तो कटिंग मैंने आपको दिखा दी है डिजाइन भी मैंने आपको बता दी है बस इसमें थोड़ा सा मैंने दिखाया है कैसे करनी है आपको इसमें कटिंग और जब कटिंग कम्प्लीट हो जाए उसके बाद आपको डिजाइन के हिसाब से इसकी पूरी लंबाई कंप्लीट करनी है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये मैंने डिज़ाइन की डिब्बी बनाई है इसको मैं काउंट करके बताती हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स है उनको नापने का जो तरीका है वो समझ नहीं आते उनको दिक्कत आती है तो मैं ये डिज़ाइन के हिसाब से बताती हूँ आपको ये डिब्बी मैंने छः सिलाई की एक डिब्बी बनाई है तो इसको मैं काउंट करके आपको बता दी तो टोटल मेरी जो डिब्बी बनी है बिल्कुल बॉर्डर से शोल्डर तक वो कितनी बनी है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस टोटल थर्टी टू डिब्बी मेरी ये डिज़ाइन की बनी है ये देखिए ये हाथ से बिल्कुल शोल्डर तक ट्वें थर्टी टू बत्तीस ठीक है तो ऐसे मैंने इस पल्ले में भी की है ये टोटल ये बॉर्डर से यह हाथ से लेकर बिल्कुल ये शोल्डर तक थर्टी टू डिब्बी मेरी ये बन गई है तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आसान तरीका बता दी है इसको नापने का अगर आपने यही डिज़ाइन डाली है तो इस तरीके से आप इसको नाप लीजिए डिज़ाइन को काउंट करते जाइए और इसको इस तरीके से बनाते हुए जाइए तो अब मैं इस वाले पार्ट्स को कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक गला घटाने के बाद कैसा आया है देखिए फ्रेंड्स ये हमारी फ्रंट पार्ट की गोल गले की कटिंग हो गई है इस तरीके से इसकी लुक आई है बहुत ही इजी है इसको कटाना इस तरीके से आप किसी के लिए भी गोल गला जो है बना सकते हैं किसी के भी स्वेटर में बटे बच्चे से लेकर बड़ों तक के आप इस तरीके से फ्रंट गला घटा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताई है पहले आप शोल्डर के फंदे निकाल लीजिए फिर जितने अपने मुद्दे पे की है उतना कर लीजिए उसके बाद एक एक करके आप घटाते जाइए तो आपकी जो गला है वो बिल्कुल परफेक्ट गोल गले की कटिंग होगी इस तरीके से आप देख सकते हो अब मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊँगी कि इसकी शोल्डर को कैसे ज्वाइन करनी है सलाइयों से और इसमें कितने फंदे उठाने हैं और गले की जो बॉर्डर है वो कितने आपको बनाने हैं तो वो मैं आगे अगले वीडियो में बताऊँगी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और चैनल पर अगर आप नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके अगर आपको इस कार्डिगन में कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए डिज़ाइन किसी एक नए प्रोडक्ट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दो उम्मीद रखिएगा थैंक यू